इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ही प्रूफ करना है। टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा, जो कि बराबर है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। तो देखिए यहाँ पर देखने से कुछ पता नहीं चल रहा है, यदि हम इसको एलसीएम लेके जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लॉजिक यह दिया हुआ है कि टेन को साइन, मतलब सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, या देखिए जब भी कुछ पता ना चले तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए टेन थीटा कितना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, डेट इज प्लस एंड कॉस थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड टेन थीटा इज साइन थीटा वाई कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ये बड़ा वाला तो बड़ा रह गया। अब देखिए नीचे साइन वन और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा। अब देखिए वन से साइन थीटा में भाग देंगे, साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा से इसमें मल्टीप्लाई किए कितना, साइन थीटा आ गया माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो वन आ गया, वन से गुणा किए कॉस में तो कॉस थीटा हो गया। अब देखिए ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाएगा, वैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस, फिर देखिए फिर नीचे एलसीएम लेते हैं, वन और कॉस थीटा का एलसीएम कितना होगा, कॉस थीटा वन से मल्टीप्लाई, वन से डिवीजन करेंगे कॉस में तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू वन करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस से भाग देंगे इसमें तो वन आएगा, वन से गुना करेंगे साइन में साइन थीटा। अब देखिए ऊपर तो एज इट इज रह जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए अब यह होगा कि यह बैठ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर ये बैठ जाएगा, डेट इज साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस ऊपर भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा वाई कॉस नीचे आ गया कॉस थीटा, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा और साइन ऊपर भाग जाएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस, फिर देखिए कॉस वैसे के रहेगा, कॉस थीटा साइन नीचे आ जाएगा, बैठ जाता है ऊपर वाला, साइन थीटा हो गया और यह कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस ऊपर भाग गया, कॉस थीटा हो गया। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा वाई कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों को सेम कर देंगे तो कुछ कॉमन हो सकता है, इसलिए इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चूँकि मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज किए थे तो साइन भी चेंज होगा, तो इधर माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा साइन, समझिए कि यहाँ पर साइन माइनस लगाना पड़ेगा, डेट इज या माइनस यहाँ चल जाएगा अगला स्टेप में, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा ऑफ माइनस कॉस थीटा एंड कॉस साइन गुना हो जाएगा, एलसीएम ले आ गया। अब देखिए इससे इसमें डिवीजन करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये तो कट जाएगा, कॉस भी कट जाएगा, साइन बचेगा, तो फिर से साइन में गुणा करना पड़ेगा, डेट इज साइन क्यू थीटा हो जाएगा माइनस, फिर इससे इसमें भाग देंगे, साइन भी कट जाएगा, साइन माइनस कॉस थीटा ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस, डेट इज कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मतलब कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हम लोग जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे लाके एज इट इज लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, कट गया। और एक और देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन लिख देंगे, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाई बच गया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेपरेट कर देते हैं बस, वन बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई थीटा थीटा होता साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेपरेट किए हैं बस, इसको सेपरेट कर दिया इसके साथ, फिर इसको सेपरेट कर दिया इसके साथ, तो कितना हो गया, वन बाई साइन कितना होता है कॉस सेक थीटा होता है, वन बाई कॉस कितना होता है सेक थीटा, ई साइन थीटा साइन थीटा कट गया, सब साइन कॉस कट गया, वन आ गया, डेट इज वन प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा जो कि किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर आ गया मेरा, आरएचएस के बराबर आ गया, डेट इज एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो इसमें क्या किया, देखिए इसमें क्वेश्चन यह था कि यदि डायरेक्टली हम जाते एलसीएम लेके तो बहुत लेंदी हो जाता, इसको क्या किए साइन कॉस में कन्वर्ट किए, उसके बाद मेरा क्यूबिक रिलेशन आया, एलसीएम सॉल्व किए तो क्यूबिक रिलेशन को सॉल्व किए क्यूबिक, उसको फॉर्मूला लगा दिया, हो गया काम मेरा, उसका वैसे प्रूफ हो गया।